गाजियाबाद में नरेश त्यागी हत्याकांड में पुलिस पर सवाल है। बीजेपी विधायक के मामा थे मृतक नरेश त्यागी और पुलिस की जांच से संतुष्टि को जाहिर नहीं किया है उन्होंने। तो विधायक अजीत पाल त्यागी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा है और कहा है कि पुलिस जल्दबाजी कर रही है। तो पुलिस पर जल्दबाजी के आरोप उनके जरिए लगाए गए और विधायक ने पुलिस की जांच पर ही संदेह किया है। तो विधायक ने अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो बीजेपी के विधायक के मामा थे मृतक नरेश त्यागी और उन्होंने पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाए और अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बिल्कुल, मैं हर तरीके से उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा और पुलिस जिस काम को, जिस जल्दबाजी से जिस केस को खोलना चाहती है, आज पुलिस के एक मुलजिम को दिखाना चाहती है कि ये व्यक्ति मुलजिम है इसमें, लेकिन उस मुलजिम से ये बताने को तैयार नहीं है पुलिस कि शूटर कौन है। अगर मैं कोई काम करवा रहा हूं, क्या मेरे को शूटर का पता नहीं है? और सहयोगी बदी उज्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। बदी उज्मा, जिस तरह के आरोप पुलिस प्रशासन पर, उसकी कार्यप्रणाली पर लगाए गए विधायक के जरिए, क्या कहना है और अभी क्या कोई कार्रवाई इस पर शुरू हो पाई है? देखिए, करीब 1.5 महीने पहले नरेश त्यागी की हत्या हुई थी उनके घर के पास ही, एक पार्क के सामने। तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं इस घटना को। नरेश त्यागी जो मौजूदा विधायक हैं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी से, अजीत पाल त्यागी उनके मामा थे और राजनीतिक रूप से वो उनका सपोर्ट भी करते थे। उस हत्याकांड के बाद से ही ये मामला पुलिस के लिए काफी चुनौती के रूप में रहा है, लेकिन अभी तक 50 दिन की जांच के बाद भी इस मामले में पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। जैसा कि अजीत पाल त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पुलिस एक व्यक्ति को पकड़कर उनके सामने ले आई और अब उसी पर वो पूरा मामला खोलना चाहती है, जबकि न तो वो शूटर है और न ही वो ये बताने के लिए तैयार है कि ये घटना किसने कराई है। बावजूद इसके सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर केस खोल देने से जो है कहीं ना कहीं नाराजगी है, असंतुष्टि है अजीत पाल त्यागी में, और अब तक जो कि वो मीडिया के सामने नहीं आए थे, अब वो खुल करके मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैं अभी तक मीडिया से मैंने दूरी बना रखी थी क्योंकि मैं बीजेपी का विधायक हूं और सत्ताधारी दल का मामला होने के कारण मैं मीडिया से अब तक बच के चल रहा था, लेकिन अब मैं पुलिस से संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिस जल्दबाजी कर रही है, पुलिस इस मामले को जल्दी खोल देना चाहती है क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर है। वो प्रेशर मीडिया का भी हो सकता है और कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी लगता है कि सत्ताधारी दल के विधायक से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमें इस मामले को जल्दी खोलना चाहिए। जबकि विधायक अजीत पाल त्यागी का कहना है कि मैंने कभी भी पुलिस पर प्रेशर नहीं बनाया और इसीलिए मैं मीडिया से भी दूरी बना करके रखा ताकि पुलिस पर कोई प्रेशर न हो और पुलिस इत्मीनान से इस घटना का सही अनावरण करे, लेकिन अब चूंकि पुलिस इसको जल्दबाजी में एक व्यक्ति का पे खोलना चाहती है और उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, नाराज है, इसीलिए उन्होंने अब मीडिया के सामने आकर के अपनी बात को रखा है और एक उच्च स्तरीय जांच की इसमें वो मांग की बात भी कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका बड़े उस्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए।